पानीपत शहर की तमाम खबरें देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ पंकज चावला। इस समय हम खड़े हैं डॉक्टर एमके स्कूल पानीपत का। ये स्कूल है, यहां पर आज एनुअल फंक्शन जो है यहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों की द्वारा यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दूं कि पिछले काफ़ी समय से जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं इस फंक्शन की तैयारी कर रहे थे, आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बहुत ही बेहतरीन जो प्रस्तुति ही है वो बच्चों के द्वारा यहाँ पर दी जा रही है। आप भी यदि इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो वॉइस ऑफ पानीपत को आप लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके बच्चों का जो ये कार्यक्रम है वो सभी तक पहुँच सके। आइए आपको लेकर चलते हैं सीधा कार्यक्रम की ओर, जहां पर आप बच्चों का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम देख सकते हैं। डॉक्टर एमके आर्य मॉडल स्कूल के तत्वाधान में विद्यालय का वार्षिकोत्सव बड़े ही उमंग व धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद संजीव भाटिया रहे। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधान संजीव कपूर और ऋतु कपूर, उपाध्यक्ष ज्योति कपूर व डॉक्टर महाराज कृष्ण कपूर एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट एंड सोसाइटी के अलावा अध्यापक एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। वहीं प्रदर्शनी में विज्ञान विभाग और कला विभाग दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं विद्यार्थियों द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मंच संचालन जसमीत कौर ने किया। मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वहीं विद्यालय में गीत प्रस्तुत कर विद्यालय संस्थापक को श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही स्वागत गीत गाकर अतिथियों का अभिवादन भी किया गया। समय मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एमके स्कूल के डायरेक्टर, डॉक्टर एमके स्कूल के डायरेक्टर मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में। कैसा रहा आज का कार्यक्रम? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर एमके आर्य मॉडल स्कूल मॉडल टाउन पानीपत का जो है वो सब पानीपत का सबसे पुराना स्कूल है और सबसे पहला CBSE एफिलेटेड स्कूल है और ये एक ब्रांड नेम है, रिनाउंड नेम है ये एजुकेशन के मामले में, स्कूल एजुकेशन के मामले में एक बहुत अच्छा नाम है। और आज का फंक्शन जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये हमारा एनुअल फंक्शन है और इसमें सबसे पहले पारितोषिक वितरण और स्कॉलरशिप वगैरह दिए जाते हैं बच्चों को, मेरिटोरियस बच्चों को, जो हमारे चीफ गेस्ट संजय भाटिया थे आज के, उनके द्वारा ये प्राइजेज बांटे गए और हमारे जो मैनेजमेंट के प्रेजिडेंट हैं, वाइस प्रेजिडेंट हैं, उन्होंने ये प्राइजेज दिए। और इसके बाद अब कल्चर प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ही अच्छा एक कल्चर प्रोग्राम है जिसका नाम अनंत रंग रखा गया है और ये बहुत बेस्ट बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया। आप देखेंगे कि इट्स ब्यूटीफुल शो प्रेजेंटेड बाय चिल्ड्रन। बच्चों का आज कार्यक्रम देख के कैसा लगा? कितने समय से ये लोग तैयारी कर रहे थे? असल में पिछले 3 साल से तो कोई फंक्शन हुआ ही नहीं था, पेंडेमिक के कारण कोई भी फंक्शन नहीं हुआ था। ये हमने एक जीरो पीरियड रखा हुआ है, हम सारे पीरियड नहीं देते इनको, दे प्रिपेयर ओनली इन जीरो पीरियड। मेरे स्कूल में एक जीरो पीरियड है, बाकी 8 पीरियड और हैं। जीरो पीरियड 1 घंटे का होता है
उस पीरियड में ये तैयारी करते हैं सब फंक्शन की एक्टिविटीज़ की, और कोई टीचिंग पीरियड कोई वेस्ट नहीं किया जाता है। बच्चों के आज इस फंक्शन के बारे में क्या कहेंगे? वो तो आपने देखा ये परफॉर्मेंस, वंडरफुल परफॉर्मेंस इट इज़। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य मधुप परासर ने अतिथियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय की उदयी मान प्रतिभाओं को दर्शाने का भी सुअवसर है। उन्होंने विद्यालय की वर्ष भर की गतिविधियों और उपलब्धियों से संबंधित रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि स्कूल परस्पर सम्मान, शिष्टाचार और नैतिकता का वातावरण प्रदान करता है, ताकि बच्चे सहजता और स्वाभाविक रूप से नैतिक मूल्यों को आत्मसात करें। वहीं छात्रों ने उत्साहपूर्वक इन गतिविधियों में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन भी किया। स्कूल समय समय पर सेमिनार, कार्यशालाएं आयोजित करता रहता है। वहीं राष्ट्रीय गान द्वारा कार्यक्रम का औपचारिक समापन हुआ। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।